विपक्ष ने, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं थे, 18 महीने की कोई उपलब्धियाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने दुष्प्रचार किया, बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना नीचे स्तर पर राजनीति गिर जाएगी। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, अभी मैं जस्ट अपना वोट डाल के आया हूँ और आज क्योंकि वोटिंग है पूरे विधानसभा क्षेत्र में और पूर्ण विश्वास है कि हमीरपुर की जनता फिर से जो है आशीर्वाद देगी। किस तरह का रिस्पांस आपको कैंपेनिंग में मिला है? देखिए, कैंपेन बहुत ज़बरदस्त हुआ इस बार और अलग तरह का कैंपेन था। हालांकि विपक्ष ने, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं थे, 18 महीने की कोई उपलब्धियाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने दुष्प्रचार किया, बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना नीचे स्तर पर राजनीति गिर जाएगी। जो हथकंडे थे अपनाए गए, मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, लोगों ने हर चीज़ बड़ी बारीकी से देखी है, करीबी से देखी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन जो है, ये जवाब जो इन लोगों ने दिया है, जो इन लोगों ने प्रताड़ित किया और इन लोगों ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, इसका जवाब जनता जो है वोट के माध्यम से देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने बेटे को, अपने भाई को जरूर चुनेंगे। आशीष जी, लगातार कांग्रेस अपनी रैलियों में बोलती रही कि धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हालात ये थे कि हमारे पीछे तो उन लोगों ने CID पुलिस हर कुछ लगाया हुआ था, धन बल की तो बात ही कहीं नहीं। मैं तो कल भी जब निकला हूँ, पूरा दिन मेरे साथ 4 गाड़ियाँ रही जो हर समय चलती रही जहाँ भी गया हूँ। उसके अलावा जो रही बात धनबल की, तो इन्होंने तो शरेआम दुनिया भर की हर गांव में शराब की पेटियां उतारी गई, सभी माताओं बहनों को सबने देखा है। कल रात को मुझे कई तरह के फ़ोन आए, पैसा बांटा गया, कई जगह तो ये था कि पैसे लेने वाला कोई नहीं था, इनके हालात ये थे। ये तो बोलने वाली बातें हैं, धनबल का प्रयोग इन लोगों ने किया है। हमने तो अपनी नेक कमाई से अगर पहले लोगों की सेवा की है तो वो की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वो तो, और जो सामने आएगा 13 तारीख को हर चीज़ जो है पिक्चर सामने आ जाएगी कि लोगों ने किसको चुना है और किसको नकारा है।